अपना कोहरा देखने को मिल रहा है और सर्दी है वो माइनस डिग्री का तापमान अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ ही प्रदेश के जो अन्य इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर दिन के तापमान में और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही जो प्रदेश के जो मरु इलाके हैं जैसलमेर है बाड़मेर है वहाँ पर अभी तक पारा माइनस के अंदर नहीं पहुँचा है। आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों के अंदर एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से गुजरेगा 72 से 105 घंटे के लिए। उसके कारण प्रदेश के अंदर एक बार फिर मौसम पलटा खाएगा और जिसके कारण प्रदेश के कुछ जिलों के अंदर जो गर्मी है उसका एहसास कुछ दिनों के लिए होगा। जी अनु, मैं चाहूँगा ज़रा एक बार कैमरा घुमाइए और कोशिश करिए दिखाइए कि ये विजिबिलिटी कितनी लो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 50 मीटर 30 मीटर तक की विजिबिलिटी नज़र आ रही है। स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब नज़र आ रही है, विशेष तौर पर विजिबिलिटी के लिहाज से देखें तो। अनु, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, देखिए आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर धुंध के कारण बहुत कम नज़र आ रही है और जो वाहन चालक है उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। राजधानी जयपुर है, यहाँ पर पॉल्यूशन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है और जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। जी अनूप, क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए, धूप निकलने का कोई अनुमान, सूर्यदेव कहीं से झांक रहे कि नहीं झांक रहे हैं, ऐसे ही रहेगा मामला पूरा दिन? नहीं, राजधानी जयपुर के अंदर सूर्यदेव आज उदय हो चुके हैं और जो दूसरे इलाके हैं चूरू है सीकर है झुंझुनू है पिलानी है यहाँ पर अभी तक सूर्य के दर्शन होना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर 11 बजे के आसपास यहाँ पर सूर्य के दर्शन होना शुरू होते हैं और शाम 4 बजते सूर्य भगवान छिप जाते हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ऊस की बूंदें जमना शुरू हो जाती है रात भर और सुबह जब ऊस की बूंदें जब रात को जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो ऊस की बूंदें हैं वो मतलब कि बर्फ़ का रूप ले लेती हैं जिसके कारण और ज़्यादा जमीन के अंदर नमी हो जाती है और ठंड का जो स्तर है सर्दी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जाहिर तौर पर अनूप, और जो शीत गिरती है वो सुबह बर्फ में जमी नजर आती है, यह है सर्दी का आलम, यह है मंजर। अब बहुत शुक्रिया आपका अनूप इन तमाम अहम जानकारियों को साझा करने के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।